दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ बच्चों का ब्रेकफास्ट एंड टिफिन रेसिपी, नारियल की चटनी और सूजी की इडली, जो झटपट पकने वाली है। दोस्तों इसे बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अंदर फिलिंग भरी है मैंने वेजिटेबल्स की, जो आप लोग के पास अवेलेबल हो तो वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आगे रेसिपी में बने रहिए, मैंने आप लोगों के लिए देखिए वेट लगा लिए। मेरे चैनल पे दोस्तों और नए हो तो प्लीज़, आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ही कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक भगोना ले लिया है, यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, बाउल में एक कप ले लिया सूजी, सूजी मोटी या जैसी भी महीन कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं। तो डेढ़ कप हमने सूजी ले ली है कुल। इधर ले लिया आधा कप दही, दही ज़्यादा खट्टा ना हो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये ले लिया है आधा कप पानी पहले लिया है, अभी एक कप पानी और पड़ेगा, इसमें डेढ़ कप पानी कुल पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, देख के डालिएगा, आप जितनी सूजी लें उस हिसाब से पानी पड़ेगा। डेढ़ कप सूजी है तो डेढ़ कप पानी पड़ेगा। सूजी फूलेगी, इसको रेस्ट पे रखना ज़रूरी होता है, तो इसको 20 मिनट के लिए आप रेस्ट पे रख लीजिएगा, ताकि जो सूजी हमारी है पूरा टाइम ले सके, अच्छे से फूल जाए और अच्छे से बने। मतलब अगर आप चाहते हैं स्पंजी, अगर इडली आपकी स्पंजी बने और खूब जालीदार बने तो इस तरह से। इसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा, आपने जितना सूजी ली उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसको रेस्ट पे रख देंगे 20 मिनट के लिए दोस्तों। इधर मैंने वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, कैरेट है, गाजर जो, और शिमला मिर्च, कुछ लंबी जूलियट में मैंने कट किए हैं, कुछ छोटे छोटे चॉप किए हैं दोस्तों। ये देखिए लंबे जूलियट्स हैं, हल्के हल्के कट, पतले पतले कट कर लिए हैं। इधर मैंने प्याज भी जूलियट में कट कर लिया है, इधर थोड़ा सा छोटा छोटा प्याज कट किया है। बच्चे जो खाएंगे वो मैं इसके अंदर फिलिंग में भर दूंगी, बच्चे मना कर देंगे तो उस हिसाब से नहीं। तो मैंने सब्जियां कट कर दी थी, फिर इन लोगों से पूछ के मैंने उसमें फिलिंग भरी है। इधर देखिए सूजी हमारी फूल गई है दोस्तों, बस मैंने खोल के आप लोगों को दिखाई है, इस तरह से सूजी हो जाए। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इडली का बैटर कैसा होता है दोस्तों उस तरह से बैटर इसका रखेंगे, ठीक है। अभी हमने साइड में रख दिया है, इधर आपको दिखा रही हूँ स्टीमर। मैंने स्टीमर के लिए एक भगोना ले लिया, उसमें पानी ले लिया और जाली लगा ली है। और इधर देखिए दिखा रही हूँ, कटोरी ले सकते हैं आप, कोई भी बाउल ले सकते हैं जो आपके पास हो, जिस शेप की आपको बनाना है, ग्लास में भी बना सकते हैं दोस्तों। इसको ग्रीस कर लेंगे, इसको साइड में रखेंगे ग्रीस करके, ताकि हम जब इडली के बैटर में, सूजी वाला बैटर जो है जो बनाया हमने, उसमें जब सोडा या आप लोग के पास इनो का पाउच हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। जब डालेंगे तो तुरंत आपको स्टीम करने रखना होगा, तो सोडा या जैसे हम इनो डालते हैं तो उसके लिए उठा के थोड़ी देर रखना नहीं है, रेस्ट नहीं कराना उसको, फिर तुरंत ही हमको बनाना है। इधर एक कढ़ाई ले लिए, सरसों का तेल लिया, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे हींग, हल्की सी हींग का फ्लेवर अच्छा लगता है दोस्तों। इधर हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है, इधर जो महीन महीन प्याज था छोटा छोटा वो चॉप किया था वो डाल दिया है। बच्चों ने शिमला मिर्च मना कर दी थी, मैंने नहीं डाली दोस्तों। ये बीन्स मैंने कट किए थे, बीन्स डाल दिए थोड़े से। इधर धनिया गार्निश कर लेंगे, धनिया का फ्लेवर इस पे हम इसके अंदर जो फिलिंग होगी बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। तो गाजर, धनिया और जो भी आपके पास हो, आप लौकी का भी चाहते हैं दोस्तों, अगर इसका फिलिंग अंदर लौकी की भरना चाहते हैं, लौकी को कद्दूकस करके फ्राई कर सकते हैं, अगर आपके आपके घर में लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। इधर मैंने जूलेट में जो प्याज कट किया था वो भी थोड़ा सा डाल दिया, इधर धनिया गार्निश कर दिए। इधर डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, थोड़े से नमक, चिली फ्लेक्स हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि इडली के बैटर में भी नमक हमने डाला है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इधर चिली फ्लेक्स थोड़े से डालेंगे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है इसको सॉफ्ट, हल्का सा बस करना है, क्योंकि अभी स्टीम में, स्टीमर में जब स्टीम होगी ये तो अपने आप ही पक जाती है। गाजर को कोई उसका पकने का वो नहीं चाहिए दोस्तों, गाजर तो हमारी हल्के भाप में ही हो जाती है। इधर मैंने सोडा डाला है थोड़ा सा, इधर दही का थोड़ा सा मैंने पानी हल्का सा डाल दिया, ताकि एक्टिव हो जाए थोड़ा सा सोडा जो है, इसकी वजह से फूल जाएगी इतनी हमारी अच्छी से।
स्पंजी इडली बनती है दोस्तों। आपके पास इनो का पाउच हो इस स्टेज पे आप इनो का पाउच भी डाल सकते हैं। इधर मैंने जो पाउच इसको कर दी थी, ग्रीस कर लिए थे, उसको क्या किया है मैंने, उसमें ये इडली का बैटर थोड़ा सा डाल दिया है। डालने के बाद इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने फिलिंग बनाई थी थोड़ी थोड़ी वो डाल देंगे। ठीक है, आप दो बाउल तीन बाउल जिस हिसाब से आप इसको ग्रीस करके रखना चाहें, थाली में भी आप बना सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम बाउल में ही बनाएं। जिस जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो आप अच्छा समझें, जिसमें ठीक लगे आपको। इधर फिलिंग मैंने डालने के बाद इसके ऊपर बैटर थोड़ा थोड़ा और डाल दिया है। बैटर इधर डालने के बाद इसको हम स्टीमर में स्टीम करेंगे। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा डालना है ताकि ये जो हमारी फिलिंग है वो ढक जाए हल्की सी, ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बैटर हल्का हल्का आ जाए। फिलिंग आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी थोड़ी फिल की थी। इसको ढक देंगे दोस्तों, 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देंगे। ये देखिए चाकू हमारा साफ निकल रहा है, हल्की सी अभी गर्म है, तो जब ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही कटोरी छोड़ देगा, ये जो बाउल में जिसमें किया है ये अपने आप ही छोड़ देगा इडली का बैटर जो हमने बनाया इडली। तो देखिए कितनी अच्छी से बन गई है दोस्तों, इसको बनने के बाद हम रख देंगे साइड में इसको दोस्तों। इधर चटनी की तैयारी करते हैं, क्योंकि इडली के साथ चटनी ना हो वो भी नारियल की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसको तो प्लीज़ आप ज़रूर बनाइएगा, और इंस्टेंट चटनी अगर आपको बनानी है, नारियल ना आपके पास हो या पीनट ना आपके पास हो, पीनट कौन छीले, कौन साफ करे, कौन उसे फ्राई करे, तो जो सॉल्टेड पीनट आते हैं दोस्तों वो मैंने ले लिए दो चम्मच ले लिया है नारियल, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है वो, और दो हरी मिर्च ले ली है स्लिट करके, और लहसुन की कुछ कलियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं तेल में, इसमें डाल देंगे वो फ्राई करा हुआ, और थोड़ा सा डाल दिया है आधा चम्मच नमक, पानी डाल के पीस लिया है। देखिए चटनी हमारी तैयार है दोस्तों, इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इधर हम तड़के की कर लेते हैं तैयारी, चटनी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी है दोस्तों, इसको क्या करेंगे मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी हिला के और चटनी में हम कर लेंगे। तो इसकी क्वांटिटी आप खाने के अकॉर्डिंग अपना कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए पतला कर सकते हैं, गाढ़ा चाहिए गाढ़ा कर सकते हैं। इधर एक हमने तड़के पैन ले लिया है, तड़का पैन लेने के बाद इसमें सरसों का तेल डालेंगे और एक मिर्च डालेंगे स्लिट करके छोटी सी, सरसों के दाने डालेंगे थोड़े से, इधर कड़ी पत्ते डाल दिए, जैसे ही कड़ी पत्ता और हरी मिर्च हमारी तड़केगी और सरसों के दाने, इसमें हल्की सी लाल मिर्च डाल देंगे, हल्की सी लाल मिर्च डाल देंगे चुटकी से, और तड़का हमारा चटनी में तैयार है लगने के लिए। ये देखिए हमने लगा दिया है, चटनी हमारी बिल्कुल खाने के लिए तैयार है, आप कभी भी सर्व करके खा सकते हैं, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छी लगती है। इडली सांभर डोसे के साथ तो इसका बेस्ट साथ है, इसके बिना तो इडली और सांभर डोसा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, चटनी जब तक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। आइए तो दोस्तों हम इडली सर्व कर लेते हैं, फिलिंग वाली इडली। आपको दूसरे तरीके से भी दोस्तों मैं शेयर करूंगी, ये मैंने सूजी से बनाई थी, हम दाल और चावल से जो इडली बनाते हैं वो भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों को। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों ये मेरा तरीका आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए दोस्तों। प्लीज़ आप लोग के एक शेयर कमेंट से हम लोग हमारा बहुत सपोर्ट हमें मिलता है, तो आप लोग हमारी YouTube फैमिली है दोस्तों, तो प्लीज़ आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो आगे हमको सपोर्ट करते रहिए। यूं ही इसको गार्निश कर लेंगे अच्छे से, जैसे आप डेकोरेट करना चाहें, गाजर जो भी आपके पास सब्जी अवेलेबल हो, बच्चों को गाजर पसंद है तो मैंने जो इसके जूलियट थे वो इस पर रख दिए हैं, थोड़ा थोड़ा धनिया से गार्निश कर लेंगे, थोड़ा गाजर से, इस तरह से इसको गार्निश कर लेंगे। अच्छा लगता है ना ऐसे प्लेटिंग करते हैं, जब हम लोग सर्व करते हैं किसी को तो अच्छे से तरीके से करिए तो अच्छा लगता है इस तरह से। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, प्लीज़ बना के देखिएगा, अगर आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। बाय बाय दोस्तों।